आइए इस वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रकाश किरण की चाल तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी 2005 में पूछा गया था प्रश्न। तो देखते हैं यहाँ पर, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो माध्यम में प्रकाश की चाल का फार्मूला क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और बटे अपवर्तनांक 1.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, 15×2=30, तो 2×10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई। यहाँ पे एक प्रश्न हल हो गया माध्यम में प्रकाश किरण की चाल। अब ज्ञात करेंगे माध्यम में तरंग दैर्ध्य। तो माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे अपवर्तनांक। तो कितनी थी? 6000 एंगस्ट्रॉम और बटे 1.5। दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 15×60 और 3 जीरो ये ऊपर बढ़ जाएंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन यदि आप भी किस क्लास 12th में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पर इम्पॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और धन्यवाद।